उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इटावा जिले पहुंचे। यहां सीएम योगी ने इटावा महोत्सव पंडाल में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने स्वच्छता प्रहरियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान में इटावा जिले के योगदान की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद थी। जिनके पास कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था, उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इस अभिनव योजना को चलाया। पूरे प्रदेश के अंदर विगत डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 1,20,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया। 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया और उसी में आपके जनपद में भी 55,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य सौभाग्य योजना के अंतर्गत इटावा जनपद के अंदर भी हुआ है। जब स्वच्छ भारत मिशन की बात चल रही थी तो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, सचमुच इटावा जनपद ने इसमें अच्छी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसमें 4,000 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के 123 वार्डों ने इसको पूरे युद्ध स्तर पर चलाकर के एक अभियान के रूप में लेकर के एक आंदोलन के रूप में लेकर के इन्हें खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करने का कार्य किया गया, जिन्हें 235,62,353 रुपये उनके ऋण माफी के प्रदान किए गए। यानी शासन की योजना बिना भेदभाव के समाज के हर तबके तक पहुंचे, इसके लिए पूरी युद्ध स्तर पर सरकार ने और पूरी प्रशासनिक